हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपके हाथ पैरों को इतना गोरा बना देगी ये रेमेडी। आप इस तरीके से रेमेडी बना के ट्राई करेंगे तो, और बहुत ही हेल्दी रेमेडी, आपकी स्किन को इतनी बिल्कुल वाइट ब्राइटनेस कर देगी, एकदम ग्लोइंग बना देगी। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको लेना है इसमें दही, ले लेना है 2 चम्मच दही, और ये बिल्कुल ताज़ा दही लेना है आपको, बिल्कुल भी ज़्यादा दिन का पुराना दही नहीं लेना है। दूसरी चीज़ इसमें ऐड कर देंगे इसमें गुलाब जल। तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, हमारी स्किन को जो भी गंदगी होती है तो उसको साफ करके बिल्कुल ग्लोइंग स्किन बना देते हैं ये, और हाथ पैरों को बिल्कुल अच्छे से गोरा कर देंगे। जो भी अगर आपके हाथ पैरों में कई सालों से जमी हुई गंदगी है तो उसको मिनटों में साफ करने वाली ये रेमेडी। तीसरी चीज़ इसमें ऐड कर दिए हैं नींबू। तो नींबू में विटामिन सी की मात्रा होती है, तो नींबू है जो हमारे बहुत ही स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चौथी चीज़ इसमें ऐड कर दिए एलोवेरा जेल। तो इनको सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इस तरीके से आपकी स्किन के ऊपर लगा कर आपको मसाज करना है, और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसको इसी तरीके से बना के लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट आपको स्किन के ऊपर देखने को मिलेगा। और लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और हमारी स्किन में जो भी अगर अंदर गंदगी होती है ये बहुत ही अच्छे से खून साफ करने में भी बहुत ही मदद करता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और अब इसकी हम ये रेमेडी बना के तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें नारियल तेल। तो नारियल तेल हमारे जो भी स्किन में दाग धब्बे रहते हैं तो उसको क्लीन करने में बहुत ही काम करता है, बहुत ही मदद करता है ये। तो इनको अच्छे से मिक्स करके आप इसी रेमेडी को बना के आप एक साथ बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो आप इसको 2 दिन के लिए काम में ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाकर आपको हल्के हाथ से मसाज करनी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे शहद। तो शहद भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, जो भी दाग धब्बे हैं उनको भी बिल्कुल क्लीन करता है। तो मैं सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी ऐड कर रही हूँ, तो हमारी स्किन के लिए सभी चीज़ें बहुत ही फ़ायदा करने वाली है। तो फ्रेंड्स, एक ही रेमेडी में आप सभी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं और सारे फायदे इसी रेमेडी से उठा सकते हैं, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे विटामिन ई का कैप्सूल। तो ये विटामिन ई का कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है ये। तो सभी चीज़ें बहुत ही हेल्दी ऐड करें हैं, तो एक ही रेमेडी से आपके पूरे शरीर के जो भी दाग धब्बे हैं, जो भी आपकी गंदगी है, तो आप इसे मिनटों में साफ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और अब इनको सभी को अच्छे से मिक्स करना है आपको, मिक्स इस टाइम बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। हर इस रेमेडी को इसी तरीके से तैयार करोगे तो ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो लास्ट में आपको थोड़ा सा इसको मिक्स को तैयार करने के लिए कि थोड़ा गाढ़ा बनाना है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ऐड कर लेना है गेहूँ का आटा। तो गेहूँ का आटा भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो अब ये परफेक्ट रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है, और अब इस रेमेडी को आप अप्लाई करेंगे तो एक ही रेमेडी में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल काले हो रहे इसमें गोरे हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है इसमें आपको, कि बिल्कुल आपकी स्किन की जो भी गंदगी रहती है तो बिल्कुल क्लीन हो जाती है और बहुत ही अच्छी आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है स्किन है, जो देखने में भी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा इसमें। तो इस तरीके से हल्के हाथ से मसाज करना है आपको, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हल्के हाथ से चेहरे पे या हाथ पैरों पे, जहाँ पे लगाओ तो वहीं पे आप इसी तरीके से मसाज करनी है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें। और जो भी कोई डाउट है आपको वीडियो में तो आप हमारे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगे तो आप अपना फीडबैक हमारे को ज़रूर दे, बहुत ही अच्छा हमारे को महसूस होता है कि आपकी फीडबैक मिलती है, तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इससे मसाज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस हो जाएगी, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी, खुद देख के यकीन नहीं करेंगे ये मेरी स्किन है या और किसी की, और बहुत ही अच्छी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि हम इसी एक रेमेडी में सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दिए जो भी हमारी स्किन के लिए फ़ायदा करती है, बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं, आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा इस रेमेडी से। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से रेमेडी बना के तैयार करनी है तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं पे भी शादी पार्टी में अगर कहीं पे जा रहे हैं तो आप इसको बना के तुरंत में लगा सकते हैं, पर आपको इसमें ऐड करना है दही, आपको बिल्कुल फ्रेश ऐड करना है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं ऐड करना है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से 15 मिनट के लिए मसाज कर लिए हैं,
और नॉर्मल पानी से धो लिए तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। जो भी हमारी स्किन की जो उंगलियों में कालापन रहता है वो भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे को कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे ही हम आपके लिए लाते रहेंगे नई नई रेमेडी और रेसिपीज। जो भी रेसिपी पसंद है तो आप हमारे को कमेंट में बताएं, तो वो भी लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।